नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं डीमेल में प्रेडिक्टर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन बिग बैश लीग के कल के मैच के बारे में, जो खेला जाएगा पर्थ स्क्वॉच और बस ब्रिस्बेन हीट के बीच में। तो इन दोनों टीम के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे आपके लिए सेफ डीमेट टीम क्या हो सकती है, कौन कौन से प्लेयर इस मैच में खेल सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या टीम न्यूज है, क्या टीम में चेंजेस होंगे, इन सब बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी इनेबल कर दीजिए, जैसे हमारा कोई भी नया वीडियो आता तो आप तक तुरंत पहुँच जाएगा और हर मैच की डिटेल आपको मिलती रहेगी। और कोशिश करेंगे वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, कोई भी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, जिससे आप अच्छा विन कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर दोनों टीमों को प्ले के लिए, फिर बात करते हैं यहाँ पर ड्रीम इलेवन टीम की। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर दोनों टीमों का प्ले ग्राउंड आ चुका है। तो पहले हम बात करेंगे पर्थ स्क्वॉच की प्ले ग्राउंड के बारे में। तो इनके लास्ट मैच की बात करें तो काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा, जहाँ पर इन्होंने लास्ट मैच विन किया। उस मैच में यहाँ पर परफॉर्मेंस जो रही दोस्तों बैटिंग में, उसमें एलिस विलानी और मेगलियानी दोनों ने काफी जबरदस्त बैटिंग करी और सामने वाली टीम को एक अच्छा स्कोर दिया, उस मैच को डिफेंड करते हुए इस मैच को विन किया। और बॉलिंग की बात करी जाए तो हीदर गाम ने जरूर यहाँ पर दो विकेट निकाले, उसके अलावा दोस्तों सभी प्लेयर ने यहाँ पर ठीक ठाक बॉलिंग करी। ठीक है, तो ये इनकी टीम की तरफ से कुछ परफॉर्मेंस थी। अब दोस्तों जो टीम देखने को मिलेगी उसमें आपको एलिस विलानी देखेंगे, मेगलियानी, एमी जोन्स, निकोल बोंटन, हैदरी ग्राम और यहाँ से दोस्तों लॉरेन इसबारी, क्लियो परेपरी और यहाँ से केट ग्रॉस, हेला ब्रेनन, तेनल पेस्टल और एमा किम। तो मेरे अकॉर्डिंग यही प्ले ग्लेम आपको इस मैच में भी देखने को मिलेगी, लगातार यहाँ पर कंटिन्यू यही प्ले ग्लेम अभी तक खेलती हुई आ रही है और इस मैच में भी मुझे लगता है कोई चेंज यहाँ पर नहीं होने वाला है। बाकी जो तो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं इनके चांसेस मुझे नहीं लग रहा है इस मैच में होने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर आसान रहेगा यहाँ पर डिफरेंट टीम बनाना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात कर ली हमने यहाँ से पर्थ स्क्वॉच वुमेन की प्ले ग्लेम के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ से ब्रिस्बेन हीट वुमेन की प्ले ग्लेम के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात करें यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट की प्ले ग्राउंड के बारे में। तो इनकी लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देखी जाए तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, जहाँ पर इन्होंने लास्ट मैच डिफेंड करते हुए स्कोर को इस मैच को विन किया। अब इनकी टीम की तरफ बैटिंग परफॉर्मेंस जो रही है उसमें सेमी जो जोनस और यहाँ से दोस्तों जेसा जॉनसन, इन दोनों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी बैटिंग करी। उसके अलावा बॉलिंग की बात करी जाए सभी की बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही, जहाँ पर सेमी जो जॉनस ने यहाँ पर तीन विकेट निकाले। उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो डेलिस केमची और यहाँ से जेमी बार्सबे, इन दोनों को दो दो विकेट निकाले। उसके अलावा जितने भी बॉलर थे सबने एक एक विकेट निकाला। तो ये इनकी टीम की तरफ से पिछले मैच की परफॉर्मेंस थी। तो इनकी टीम में भी दोस्तों कोई पर चेंजेस नहीं होने को देखने को मिलेंगे आपको, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि दोस्तों इनकी टीम भी यहां पर लास्ट मैच विन कर आई है और लगातार यही टीम खेलती हुई आ रही है। तो मुझे लगता है यही टीम आपको इस मैच में भी देखने को मिलेगी। बाकी जो दो प्लेयर है ये पिछले मैच में भी बेंच पर थे, तो इस मैच में भी आपको बेंच पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो प्लेयर आपको देखेंगे उसमें बैथ मोनी, ग्रेस हैरिस, सेमे जो जॉनसन, किरबी शॉर्ट, जेसा जॉनसन, लॉरा हैरिस, डेलिस किमची, लॉरा बॉर्डर, सुनेलियस और जेमा बेर्स भी और यहाँ से हेडी बर्केट। अब दोस्तों यहाँ पर अगर चेंज अगर टीम करती भी है तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों जूसी डूले को यहाँ पर लाया जा सकता है लॉरा हैरिस की जगह पर। लगातार लॉरा हैरिस को अभी खिलाया जा रहा है, भले ही उनको परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं जा रहा है, फिर भी यहाँ पर टीम में खेल रहे हैं। अगर होता है चेंज तो इनकी जगह पर हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी यहाँ पर कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात कर ली हमने ब्रिस्बेन हीट वुमेन की प्ले ग्राउंड के बारे में। अब चलते हैं डीमेल ऐप पर और देखते हैं आपके लिए हमने क्या टीम बनाई है इस मैच के लिए। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल है, बैथ मोनी और एमी जोन्स, दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। दोनों ही यहाँ पर ओपनिंग बैटिंग करने आएंगे, पर मेरे अकॉर्डिंग बैथ मोनी मुझे थोड़ी सी बेटर ऑप्शन लगती है यहाँ पर, इनका परफॉर्मेंस भी लगातार अच्छा रहा है यहाँ पर। उसके अलावा एमी जोन्स का एक मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्म करते आई हैं, ज़्यादा बड़ा स्कोर अभी तक नहीं किया। बाकी यार आप यहाँ मल्टीपल टीम के साथ खेल रहे हैं तो बैथ मोनी को जरूर यहाँ पर ट्राई कीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से एमली इसमें तो यहाँ पर स्क्वाड में नहीं है, तो इनको बिल्कुल मत लेना यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों बैटिंग में चले तो बैटिंग में हमने मेगलियानी, एलिस विलानी, किरबी शॉर्ट, तीन यहाँ पर दोस्तों बैट्समैन लिए, जो हमें बेस्ट लगे वो हमने ले लिए। उसके अलावा लॉरा बॉर्डर को आप ट्राई कर सकते हैं, पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग करने आती हैं, तो इसकी वजह से मैंने इनको अपनी टीम में नहीं लिया है। बाकी यहाँ पर दोस्तों इनको लेने का भी फायदा ज़्यादा नहीं होने वाला है मुझे लगता है। उसके अलावा लॉरेन इफ्सारी भी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आती है फिफ्थ या सिक्स डाउन पर, तो उसको देखते हुए मैं भी इनको भी अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ। बाकी क्लियर ऑफ पेपर इनका भी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं जा रहा, तो ये सभी प्लेयर दोस्तों जो काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं इतना इनको मौका नहीं मिल पाता, तो इनको लेने का फायदा मुझे ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपके पास यहाँ पर लॉरा हैरिस बचती है, ये भी जो दोस्तों काफ़ी नीचे बैटिंग करने आती है, तो इनका भी परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं जा रहा, हालांकि यहाँ पर टीम के साथ खेल रही है, पर इनको लेने का भी मुझे ज़्यादा बेनिफिट दिखता नहीं है। आपको लेना है तो दोस्तों आप बिल्कुल ले सकते हैं, आपके पास चॉइस है। बाकी अब मुझे लगता है इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं जा रहा है, तो मैं इनको अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ। बाकी यहाँ पर जोशी डूले यहाँ पर आ सकती हैं, पर इनका कन्फर्म नहीं है। बाकी यहाँ पर लॉरा हैरिस की जगह यहाँ पर टीम ला सकती है, पर मुझे लगता है टीम यहाँ पर चेंज करने वाली है। और यहाँ पर मदलटा कार्मिकल भी यहाँ पर पिछले मैच में भी यहाँ पर बेंच पर बैठी थी, तो मुझे लगता है इस मैच में भी इनको चांस नहीं दिया जाएगा, तो इस मैच में भी ये बेंच पर रहने वाली। मैगन बॉन्टिंग यहाँ पर टीम में नहीं है, तो इनको बिल्कुल ट्राई मत करना। अब ऑलराउंडर में देखते हैं तो ऑलराउंडर में दोस्तों मैंने हीदर ग्राम, ग्रेस हैरिस, स्विमी जो जॉनसन को लिया, तो हमने यहाँ पर ये तीन ऑलराउंडर लिए। अब आपके लिए जो दो ऑप्शन बचते हैं निकोल बोल्टन और जैसे दोनों ही आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस है, दोनों की आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो सभी ऑलराउंडर अपनी जगह काफ़ी अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो वुमेन्स के मैचों में ऑलराउंडर का सबसे ज़्यादा अहम रोल रहा है यहाँ पर,
और काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। जैसे इनके पॉइंट है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं यही प्लेयर सबसे ज़्यादा यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो भाविसा देवचंद टीम के साथ हैं, पर इनके चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि दोस्तों एक ही इनको मैच खिलाया उसके बाद से यहाँ पर उनको फिर से दोबारा से चांस नहीं दिया गया, और मुझे लगता है इस मैच में भी उनको चांस मिलने वाला है, तो वही टीम आपको इस मैच में भी देखने को मिलेगी। तो आप इसमें से यहाँ पर दो ऑप्शन जो बचते हैं वो आपके लिए सेफ है, उनको ले सकते हैं। बाकी पेपर के लिए भी यहाँ पर स्क्वाड में नहीं है, और यहाँ से कटनी सिप्पल ये भी टीम में नहीं है, तो इनको भी आप ट्राई मत करना। अब दोस्तों बॉलिंग में देखते हैं, तो बॉलिंग में हमने किट ग्रोस, डेलिस केमेंची, जेम्बा बर्स भी और यहाँ से तैनिन पार्सल को लिया हुआ है, तो हमने ये चार बॉलर लिया। अब आपके चॉइस बचते हैं उसमें सुनील लोज है, हालांकि हमें एज अ बॉलर ट्राई कर सकते हैं, वैसे देखा जाए तो ये एक ऑलराउंडर है, पर यहाँ पर काफ़ी नीचे बैटिंग करने आती है, तो बैटिंग के पर्पज से आप बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। अगर आप बॉलिंग के पर्पज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके अलावा हेला जेनसन यहाँ पर स्क्वाड में से बाहर हो गई है, तो ये भी टीम में नहीं है। उसके अलावा एमा किंग को आप ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हेडी बर्कट टीम के साथ लगातार खेल रही है, पर इतना ज़्यादा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है, एक तरह से देखा जाए तो ये टीम पूरी करने के लिए यहाँ पर टीम के साथ खेल रही है, बाकी यहाँ पर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेनिफिट नहीं दे रही है। और यहाँ पर हेला बेरन है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर टीम के साथ लगातार खेल रही है, पर ऐसा कोई खास परफॉर्मेंस इनकी बॉलिंग से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जॉर्जिया पेसिफिक टीम के साथ जुड़ी हुई है, पर इनके कोई चांसेस नहीं है इस मैच में खेलने के, तो इनको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। चार्ली नॉट यहाँ से टीम से बाहर कर दी गई है, तो इनको भी आप बिल्कुल ट्राई मत करना, ठीक है। दोस्तों ये बात कर ली हमने अपनी टीम के बारे में और प्ले के बारे में, तो दोस्तों अब चलते हैं फाइनल प्रीव्यू देखते हैं और कप्तान वाइस चॉइस बताते हैं आपको इस मैच के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सिमी जो जॉनसन को कप्तान बनाया और हीदरगाम को वाइस कप्तान बनाया, आप चाहें तो यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर हीदरगाम को कप्तान और सिमी जॉनसन को वाइस कप्तान बना सकते हैं। उसके अलावा आपकी बेस्ट चॉइस रहेंगे ग्रेस हैरिस, और यहाँ से दोस्तों आपके लिए ऑलराउंडर में जितनी भी ऑलराउंडर सभी आपके लिए कप्तान वाइस कप्तान के लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो निकोल बोल्टन और यहाँ से दोस्तों जेसन जॉनसन दोनों ही आपके लिए बेस्ट चॉइस है, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मल्टीपल टीम के साथ खेले तो बिल्कुल अपनी किसी ना किसी टीम में उनको लीजिए और यहाँ पर कप्तान वाइस कप्तान ट्राई कीजिए, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर जितना अच्छा परफॉर्म यहाँ पर ऑलराउंडर कर रहे हैं, तो उसको देखते हो ऑलराउंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस बनते हैं। अब दोस्तों आप बैटिंग में देखो तो एल्स बिलानी और किर्बी शॉर्ट एंड मैकलेनिंग तीनों ही आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे इस मैच के लिए, इनको ट्राई कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखा जाए तो मैकलेनिंग और एल्स बिलानी का पिछला मैच का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। अब दोस्तों यहाँ पर विकेट कीपर में बात करें तो एमा जोन्स भी यहाँ पर अच्छे प्लेयर हैं, पर यहाँ पर दोस्तों इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म अभी नहीं दे रही है। बाकी यहाँ पर मैंने यहाँ पर दोस्तों बैथ मुनी को लेना था, पर दोस्तों मैं उनको नहीं ले पाया क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट का प्रॉब्लम था, अगर मैं उनको लेता हूँ तो मुझे किसी प्लेयर को यहाँ पर ड्रॉप करना पड़ेगा बड़े प्लेयर को, तभी मैं उनको ले पाऊंगा, ठीक है। तो आप ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल उनको अपनी टीम में ट्राई कीजिए और कप्तान वाइस कप्तान के लिए भी ट्राई कीजिए। अब दोस्तों ये मैंने अपनी चॉइस बता दी है, इसके अलावा अगर आपको किसी प्लेयर को ट्राई करना है कप्तान वाइस कप्तान के लिए बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बॉलरों से भी ट्राई कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है, आपका डिसीजन है, आप किसी प्लेयर के साथ में जा सकते हैं। अगर ये टीम आपको परफेक्ट लगती है तो इस टीम के साथ जाइए, वरना अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस कीजिए। अगर आपको लगता है इस टीम में कोई प्लेयर परफेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पर दोस्तों मैंने जो सेफ ऑप्शन बताए हैं उनको लेकर यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और किसी रिस्की प्लेयर को ट्राई करना चाहते हैं तो गैंडलिंग में ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। दोस्तों ये मैंने बता दिया आपको दोनों टीमों को प्ले 11 और यहाँ पर दोस्तों डीबी में टीम। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मैच के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा वीडियो देखने धन्यवाद, ओके बाय बाय टाटा दोस्तों।